नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं जो टॉपिक अपना चल रहा था न्यूक्लियर फिजिक्स का, बीएससी फाइनल में है ये टॉपिक अपना, उसमें बीटाटोन कंप्लीट टॉपिक हमने अध्ययन कर लिया है। उस पे डिपेंड जो न्यूमेरिकल है वो आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल अपने को दिया गया है 1.65 मीटर त्रिज्या के स्थायी कक्ष के बीटाटोन में प्रयुक्त अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.4 पास्कल है। चुंबकीय क्षेत्र की आवृत्ति दी गई है देखो 40 हर्ट्ज है। बीटाटोन द्वारा त्वरित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम मान ज्ञात करना है और इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या ज्ञात करनी है। अतः हम जानते हैं सबसे पहले हमारे को जो न्यूमेरिकल में दिया गया होता है, मतलब जो भी बात अपने को न्यूमेरिकल में दी गई होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है, चक्रों की संख्या दी गई हो, आवृत्ति दी गई हो, या बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया हो, त्रिज्या का मान दिया गया हो, वो अपने को लिखना है। तो दिया क्या क्या गया है, सी प्रकाश का वेग हम जानते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। आर नॉट अपने को दिया गया है 1.65 मीटर त्रिज्या का। उसके बाद बी नॉट जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अपने को दिया गया है 0.4 टेस्ला, ये लिखा है हमने। और आवृत्ति जो एफ दी गई है अपने को वो है 40 हर्ट्ज, ठीक है। अब अपना सूत्र जो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्राप्त इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की अधिकतम जो गति ऊर्जा होती है उसका सूत्र होता है E बराबर सी आर नॉट बी नॉट, कौन सा मात्र इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये मान हम रखेंगे E बराबर सी का मान 3×10⁸ मल्टीप्लाई आर नॉट का मान 1.65 मीटर मल्टीप्लाई चुंबकीय क्षेत्र बी नॉट का मान 0.4 और मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विद्यार्थी जब इसको सॉल्यूशन हम करते हैं 198×10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने को प्राप्त हो रहा है। इसे हम मेगा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मेगा, क्योंकि 10⁶ क्या होती है, मेगा होती है। तो अपना आंसर आ गया 198 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद इसी क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाए गए जो चक्कर है उनकी संख्या कितनी हो सकती है, वो हम जानते हैं n बराबर होता है c बटे 4 ओमेगा r। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई m होता है। 2 पाई का मान आप जानते हैं 2×3.14। f का मान आपको दिया गया है 40, f का मान कितना दिया गया है 40 हर्ट्ज। f का मान अपने को यहां दिया गया है 40 हर्ट्ज और आर नॉट अपनी है 1.65। जब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं तो मल्टीप्लाई की जो सी का मान है 3×10⁸ है और 4×2 पाई का मान है 3.14, आवृत्ति का मान अपने को 40 दे रखा है, मल्टीप्लाई 1.65 अपने को त्रिज्या दे रखी है। जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले पावर सॉल्यूशन करते हैं। पावर सॉल्यूशन अपनी 3×10⁸ ऊपर दी गई है बटे 4×2×3.14×40×1.65। अब एक पावर या 10⁻ हो सकती है 40 है तो 4×10⁻ लिख सकते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगी, मल्टीप्लाई करें तो 3×10⁷, इसको हम मल्टीप्लाई करें 4×2×8, 8×4=32, 32×3.14×1.65